नामांकन के तीसरे दिन बस्ती लोकसभा 61 के मौलिक अधिकार पार्टी से प्रेम कुमार ने किया नामांकन। नामांकन के बाद प्रेम कुमार ने बताया कि आज मैंने जो कुछ भी किया वह बाबा साहेब की बदौलत किया, जो आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, नाई का बेटा, जो आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट का नामांकन पर्चा दाखिल किया, हमारे संविधान की देन है। और अगर ये संविधान ना होता तो एक गरीब का बेटा यहाँ तक नहीं पहुँचता। मीडिया से अपनी बात रखते हुए प्रेम कुमार पूरी तरह भावुक हो गए और बस्ती की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर मैं लोकसभा 61 से सांसद बनता हूँ तो बस्ती में युवाओं को रोजगार के लिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी। क्या है और किस पार्टी से और क्या कुछ? देखिए, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप उस बिगड़ा को उठा लिए हैं जो समाज को ज़रूरत है। समाज जहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बीड़ा आप लोग उठाते हैं, तब जा करके उनको न्याय मिलता है। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी किया मैं और जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, ये माननीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देनी है। आज एक गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, जो आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट का नामांकन पर्चा दाखिल किया, ये आज हमारे संविधान की देनी है, बाबा साहब की देनी है। साथियों, अगर ये संविधान ना होता तो हमारे पूर्वज का तो अता पता नहीं चला कि हमारे पूर्वजों का कितना शोषण हुआ। आज संविधान की बदौलत एक गरीब का बेटा, एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटा, नाई का बेटा, आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट लोकसभा जनपद बस्ती से 61 लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। किस पार्टी से हैं आप? पार्टी हमारा मौलिक अधिकार है, जो बाबा साहब ने संविधान में नाम दिया है मौलिक अधिकार, इसीलिए मैं मौलिक अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। बड़ी चुनाव होती है लोकसभा की और बड़े बड़े दिग्गज भी हैं, कैसे आप लड़ेंगे? देखिए, दिग्गज यहाँ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत बुद्धिमान है। वो जानती है कि ये जो नेता फार्चूनर से घूमने वाले हैं, पैसा बांटने वाले हैं, जो अथाह पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं करेंगे, ये हमारी बात सदन तक नहीं पहुँचाएंगे, ये हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये सब मौका फरस्त हैं, ये सिर्फ हमको और हमारे समाज को वोट लेकर के गुमराह करने का काम करते हैं। मतलब कोई बड़े नेता काम नहीं करते हैं क्या? कोई काम नहीं किया है, बता दें। आरक्षण भारत सरकार और योगी सरकार ने आरक्षण खत्म किया। नगर निकाय पालिका में जब चुनाव होना था तो आरक्षण खत्म कर दिया OBC का। क्या मुद्दे हैं आपके? मैं आपको बता देता हूँ जी। तो जिसमें कोई नेता रोड पे आया हो, बता दो, बस्ती जनपद का जातीय जनगणना की कोई मुद्दा उठाया हो तो बता दो रोड पे आकर के। आप लोग तो साक्ष गवाह हैं आरक्षण को लेकर के मैं लड़ा, कि आरक्षण रहेगा तो जो छोटे दबे कुचले जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो ऊपर उठ जाएंगे, नौकरी चाकरी पा जाएंगे। जातीय जनगणना कराने से बेनिफिट ये है कि सभी लोगों को समान रूप से सबका सम्मान रहेगा, सबका बराबर बराबर अधिकार रहेगा, इसलिए जातीय जनगणना कराना अति आवश्यक। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव हम लड़ेंगे, जिससे उद्देश्य मेरा यही है कि मैं अपने देश और समाज में एक अच्छा काम करूं और अपने दबे कुचले शोषित वंचित मजदूर किसान बेरोजगार साथियों को न्याय दिलाऊं, जो उनके शोषण होते हैं, जो उनके हनन होते हैं और उनके जो मुद्दे होंगे वो मैं सड़क से लेकर के सदन तक लड़ूंगा। अंत में क्या अपील करेंगे जनता से? मैं सभी अपने सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि साथियों, ये आपका गरीब का बेटा, किसान का बेटा, पैसा तो मेरे पास नहीं है लेकिन ये है कि मेरे पास ताकत है, ऊर्जा है और जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपके लिए न्यौछावर करूँगा और मैं आपकी लड़ाई शत प्रतिशत लड़ूंगा। आप हमको कहीं भी देख सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से देख सकते हैं,
अखबारों में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आए दिन जितने समाज में घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे किसी का शोषण होता हो, हर मुद्दे को लेकर के ये आपका बेटा हाजिर रहता है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।